इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बीते दो दिन से नेपाली मूल का व्यक्ति अपने इलाज की उम्मीद लगाए बेसुध हालत में पड़ा हुआ था, जिनकी उम्र करीब 75 साल के आसपास है, जिसके मदद के लिए सामाजिक संस्था नोफल एक उम्मीद आगे आई है। बलसन निवासी बलदेव और नोफल एक उम्मीद संस्था की टीम ने संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह से बातचीत के बाद व्यक्ति को आईजीएमसी अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल के व्यक्ति का नाम पूर्णचंद है, जो नेरवा से आया है। वहीं पूर्णचंद के पूरी तरह स्वस्थ होने तक संस्था द्वारा ही इलाज करवाया जाएगा और उसके पश्चात पूर्णचंद को हेल्पेज होम भेजने की कार्रवाई की जाएगी। नोफल एक उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने इस संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए बताया कि संस्था द्वारा बेसहारा बुजुर्ग मरीज के इलाज का पूरा खर्चा वहन किया जाएगा। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे करीब बलदेव जी ने दया से मुझे कॉल करके बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो न्यू ओपीडी कॉरिडोर में है और पिछले दो दिन से वो अपने इलाज के लिए मतलब उम्मीद कर रहा है कि कोई उसका इलाज कराएगा या करेगा, उसके साथ कोई नहीं है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो मैंने लगभग 11:30 बजे आकर उस बच्चे को साथ परीक्षित नाम का लड़का था जिसके साथ जाके उस बुजुर्ग को देखा और उसके जो पाँव था वो बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसको एक बार हम सराय में लेकर आए, पहले सराय से सारी बात समझी, लेकिन वो नेपाली मूल का होने के नाते जो था वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा था। तो हमारे पास दाई हैं नेपाल से, हमने उनको बुलाया, उन्होंने उससे बात करी तो और पता लगा कि उनका नाम जो है वो पूरन है और वो चौपाल से रहने वाले हैं और दो दिन पहले कोई उनको यहाँ पर छोड़कर चला गया, ना उनकी कोई पर्ची कटाई ना इलाज के लिए किया, बस यहीं छोड़ के थोड़े से पैसे डाल के चला गया और वो बस दो दिन ठंड में ऐसे ठुरकते रहे। आज संस्था ने उनके इलाज की शुरुआत कराई है, उनको लेकर गए हैं और अभी उनके जो है अल्ट्रासाउंड हो चुका है, ब्लड टेस्ट हो चुके हैं और आगे जो है आगामी कार्रवाई के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वर्ल्ड हेल्पेज उनके हैं उनको बुलाया है और उनके साथ बातचीत करके आने वाले 5-7 दिनों के अंदर ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको हेल्पेज होम में शिफ्ट करा दिया जाएगा। दूसरा पेशेंट जो है वो वहीं जब हम ट्रीटमेंट कराने के लिए उस बुजुर्गवार का गए, वहाँ पे जो कांस्टेबल हैं रमेश जी, उन्होंने बताया कि इस तरह से कॉरिडोर में पिछले 3 तारीख से एक पेशेंट है जिसका कोई इलाज नहीं हुआ और वॉशरूम वगैरह भी उसने बीच में ही कराया, उठ नहीं सकता, पेड़ काटने की वजह से उसकी डेथ हुई है और उसके जो परिजन थे वो उसको वहीं कॉरिडोर में छोड़कर चले गए, मोबाइल फ़ोन भी ले गए, उसके 5,000 रुपये भी लेके चले गए, तो उसकी भी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं था। तो इमीडिएट उसका भी एक्शन लिया गया, सीएमओ मैम के साथ मिलकर हमने वहाँ उसकी सफाई की सारा व्यवस्था कराई, मैम ने जो थे उसके पूरा इलाज की व्यवस्था करा के वो इमीडिएट जो है वो उसका उपचार शुरू हो गया है। जितना भी खर्चा भी इन दोनों पेशेंट्स का आएगा वो संस्था द्वारा उठाया जाएगा, उनके जो जो पेड़ से गिरे हैं जो नेपाल से हैं उनके जो परिजनों को है उनको ढूंढा जा रहा है सॉरी, और जो बुजुर्ग हैं इनको जो है वो हेल्पेज होम में भेज दिया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं वो तो 5-7 दिन के अंदर हेल्पेज होम के जो अधिकारी हैं वो अपनी टीम के साथ बात करके उनको इलाज के बाद ले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो 45 साल का व्यक्ति है जो पेड़ से गिरा और जिसके परिजन उनको यहाँ पर छोड़कर भाग गए, फ़ोन भी ले गए, पैसे भी ले गए, तो उन्होंने शायद ऐसा सोचा कि पुलिस जो है वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी उनके परिजनों तक पहुँचेगी और उनको उनके पेशेंट पर लाने के बाद और जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी।